सलाम नमस्ते हेलो केम चो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जिए भाई आ, सरकारी परीक्षा पे दोस्तों सुबह हो चुकी है और आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आ चुके हैं पीयूष सर फटाफट से जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों सभी लोगों को राधे राधे नमस्कार निधि सरोज सचिन जितने भी लोग हैं दोस्तों जिनके भी आज एग्जामिनेशन है उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट सभी लोग भाई पे बाबा और माँ की असीम कृपा रहे पेपर पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा और दोस्तों बहुत सारी खबरें आज है बहुत शानदार सेशन रहने वाला है तो एक बार दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों जहां भी आप कीर्ति फैला सकते हैं अपने पीयूष सर की कि भाई पीयूष सर ने जो है एक से एक करेंट अफेयर क्योंकि इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा अब आपके किसी एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा अक्सर आप करंट अफेयर में सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आया तो दोस्तों क्योंकि भाई आप सारे करंट अफेयर पढ़े ही नहीं होते हो क्योंकि भाई जितना टीचर ने पढ़ाया उतना आपने पढ़ा तो दोस्तों यहां पे ये गारंटी है कि आपको सारे करंट अफेयर पढ़ाए जाएंगे और दोस्तों इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा आजमा के देख लीजिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले भाई सरकारी परीक्षा टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले दोस्तों और सरकारी परीक्षा डॉट कॉम वेबसाइट को ठीक है लाइक करें दोस्तों शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करें दोस्तों ठीक है जिन लोग पहली बार सरकारी परीक्षा प्यारे वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले ओके दोस्तों यहां पे मेरी क्लास जो है शाम को साढ़े छह बजे भी होती है तो आज हम लोग ने सिक्स मंथ करेंट अफेयर विथ स्टेटिक जीके रखा हुआ है दोस्तों तो जैसे हम लोग का बेस्ट टू हंड्रेड सीरीज़ चलता है वैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको रखा हुआ है तो आप लोग ज़रूर जो है दोस्तों इसको ज्वाइन करिए और अपने एग्जामिनेशन को दोस्तों एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट करके दोस्तों आना है एग्जामिनेशन में एकदम फोड़ के आना है याद रखिएगा ठीक है चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ओके दोस्तों भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुण शक्ति का एडिशन क्या है जो 21 नवंबर 2022 को करावोंग पश्चिम जावा इंडोनेशिया में शुरू हुआ तो दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है गरुड़ शक्ति गरुड़ की बात करें तो वो फ्रांस के साथ होती है लेकिन गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ होती है इस बात को ध्यान रखिएगा तो दोस्तों ये इंडोनेशिया के वेस्ट जावा के करावांग में हुआ है और ये इसका आठवां एडिशन है दोस्तों इंडोनेशिया में आपकी जी ट्वेंटी सम्मिट भी हो रही है जी ट्वेंटी सम्मिट भी हो रही है दोस्तों इंडोनेशिया में आपकी इंडिया और आसियान का स्टार्टअप जो है कॉन्क्लेव भी हुआ था दोस्तों इंडोनेशिया की नई कैपिटल नूसन है इंडोनेशिया दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है यहीं के बाली में दोस्तों अभी वर्ल्ड लीडर्स की जी ट्वेंटी मीटिंग हुई थी दोस्तों और नूसन तारा इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रखा है दुनिया का सबसे बड़ा आर्की पेलागो है रुपया यहाँ की भी करेंसी है दोस्तों और जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं ठीक है, है? जिन्होंने मोदी जी को प्रेसिडेंसी का हथौड़ा दिया था यानी एक दिसंबर से दोस्तों भारत के पास प्रेसिडेंसी आ जाएगी इंडोनेशिया भारत को हैंडओवर कर देगा ओके क्लियर है चलिए दोस्तों में 300 मेगावाट कोयला आधारित बिजली संयंत्र बनाने के लिए किस कंपनी ने निविदा जीती है टेंडर जीता है दोस्तों तो यहां पर जिंदल स्टील एंड पावर ने दोस्तों यहां पे बोत्सवाना में बिजली संयंत्र बनाने के लिए पावर प्लांट बनाने के लिए बिड़ को जीता है दोस्तों तो अब हमारी कंपनियां दोस्तों बाहर तक जा रही हैं बोत्सवाना तक बोत्सवाना की कैपिटल गैबोरॉन है बोत्सवाना पुला इसकी करेंसी है प्रेसिडेंस है मार्क मार्कविथ्सी मासिस दोस्तों अगर जिंदल स्टील की बात करें तो दोस्तों सावित्री जिंदल है इसकी हेड जो कि भारत की सबसे अमीर महिला है जिसने इसको जीता है जिंदल स्टील की दोस्तों सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है ठीक है दोस्तों उत्तर पूर्व के डीजीपी और सीपीओ के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है द ट्वेंटी सेवेंथ कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी एंड हेड ऑफ सीपीओ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज एट विच सिटी तो दोस्तों यहां पे अगरतला में दोस्तों ये हुआ है कहां पे हुआ है अगरतला में हुआ है दोस्तों आपको बताना है कि अगरतला किस राज्य की राजधानी है फटाफट से बताइएगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों ये जो नॉर्थ ईस्ट की की जो सीपीओस की जो मीटिंग हुई है डीजीएसपी और आईजीएसपी की सत्ताईसवीं कॉन्फ्रेंस है दोस्तों ये चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा मानिक शाह ने दोस्तों इनग्रेट किया है मानिक शाह जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे इनोग्रेट किया है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों यहाँ पे ही त्रिपुरा में अभी एक बायो ऑर्गेनिक विलेज भी दोस्तों बना था ठीक है त्रिगुना त्रिपुरा जो है अपनी अगर पॉलिसी की वजह से जानी जाती है दोस्तों बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर हुआ था दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सी डॉट के दिल्ली परिसर में दोस्तों उद्यमिता सेल और सेंटर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन किसने किया है तो दोस्तों ये उद्घाटन किसने किया है अश्विनी वैष्णव ने किया है किसने किया मेरे भाई अश्विनी वैष्णव ने किया है याद रखिएगा ओके okay? क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त अश्विनी वैष्णो दोस्तों हमारे आईटी मिनिस्टर हैं कौन से मिनिस्टर हैं आईटी मिनिस्टर हैं दोस्तों ओके दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी दोस्तों इसने एक ज्वाइंट पब्लिकेशन निकाला है जिसके अनुसार कोविड 19 महामारी के कारण 2021 में लगभग बच्चों कितने बच्चों ने खसरे के टीके की खुराक नहीं ली है मिसल्स वैक्सीन डोज दोस्तों कोरोना का जो है कोरोना की वजह से उन्होंने नहीं लिया दोस्तों उनके नाम आपको बताने हैं ठीक है फटाफट से बताइएगा तो दोस्तों यहां पे 40 मिलियन यानी 40 मिलियन का मतलब है चार करोड़ बच्चों ने दोस्तों खसरा के टीके की खुराक नहीं ली है कोविड 19 महामारी के वजह से ठीक है बात समझ में आ रही है 25 मिलियन चिल्ड्रन हैव मिस्ड देयर फर्स्ट डोज एंड 14.7 मिलियन चिल्ड्रन हैव मिस्ड देयर सेकेंड डोज तो दोस्तों ये जो है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक चीज हुई है कोरोना में लोगों ने बाकी और किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया है ना दोस्तों आई सी टी ईल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नए चेयरमैन के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है किसे अपॉइंट किया गया है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों यहां पर जो है टीजी सीताराम को टीजी सीताराम को दोस्तों अपॉइंट किया गया है टी जी सीताराम ए के जो है चेयरमैन बन गए हैं ए ने दोस्तों अभी एक मेटावर्स भी लॉन्च किया था एजुकेशन का पहला मेटावर्स लॉन्च किया था दोस्तों जिसका नाम था पॉलीवर्सिटी पॉलीवर्सिटी थी ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया He will replace UGC Chairman Jagdish Kumar, who was holding the interim charge of the AICT Chairman after the retirement of Anil Sahastrabuddhe on 1st September 2021. दोस्तों फिक्की द्वारा Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह पवार को किसको सम्मानित किया गया मेरे भाई राजेंद्र सिंह पवार को सम्मानित किया गया है किसको सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह पवार को सम्मानित किया गया है ओके राजेंद्र सिंह पवार कौन है दोस्तों ये एनआईआईटी के दोस्तों चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं जिन्हें यहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है न्यू दिल्ली में दोस्तों एक अवार्ड सेरेमनी थी जिसका नाम था एट्थ फिक्की हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड ये इन्हें दिया गया है ओके दोस्तों फिक्की की बात की जाए तो फिक्की 1927 में हुई थी घनश्याम दास बिरला और परसोत्तम दास ठाकुर दास ने शुरू किया था हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और दोस्तों नए नए प्रेसिडेंट इसके बने हैं सुब्रकांत पांडा अभी दो दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों सुब्रकांत पांडा इसके नए नए हेड बने हैं ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए सुब्रकांत पांडा ठीक है चलिए गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर जी का मार्टर डॉम डे जो है दोस्तों वो हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों दोस्तों जी नगर दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास मेट्रो स्टेशन है उसका भी नाम दोस्तों गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर ही रखा गया है ठीक है जी को शॉर्ट में कहते हैं गुरु तेग बहादुर फुल नेम है ओके तो दोस्तों याद रखिएगा 24 नवंबर को इनकी शहादत का दिन मनाया जाता है दोस्तों 24 नवंबर को मुगल सम्राट औरंगजेब जी के जो ये मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में दोस्तों चौराहे पे मारा गया था और पिछले साल तो गुरु तेग बहादुर जी की लाल किले पे पूरी लाइट शो हुई थी है ना याद रहेगा नहीं दसवें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह हैं गुरु गोविंद सिंह दोस्तों दसवें गुरु हैं ठीक है ये नौवें गुरु थे और दसवें गुरु के बाद जो है दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब को जो है गुरु जो है स्वरूप में बता दिया कि ये अब गुरु रहेंगे ठीक है चलिए तो बहुत बढ़िया तो ये जो है दोस्तों आ, कातिलों का जो है कि नामो निशान नहीं रहता और देखो आज गुरु तेग बहादुर जी को मिटाने की कोशिश की गई थी और आज गुरु तेग बहादुर जी पूरे लाल किले पे छाए हुए हैं जहाँ पे कभी उन्हें जो है कि दोस्तों बहुत प्रताड़ना से मारा गया था खैर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता थैंक्स गिविंग डे दोस्तों हर साल किस दिन मनाया जाता है थैंक्स गिविंग डे किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों ये जो है नवंबर के चौथे गुरुवार को फोर्थ थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है ठीक है फोर्थ थर्सडे ऑफ नवंबर को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है दोस्तों ये जो आप लोग एक दूसरे को थैंक्स बोल रहे हैं कि तुमने मुझे किया वर्ड्स बता दिया तुमने मुझे बैंक का वो बता दिया अ, मे, मेटा वर्ड्स बता दिया यही सब दि, दोस्तों थैंक्स गिविंग कहलाती है और 24 नवंबर को इस बार जो है ये चौथा गुरुवार पड़ा है तो दोस्तों ये मनाई गई है ठीक है कनाडा में ये अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाई जाती है ठीक है इस बार की जो थीम है ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वह है टू गिव थैंक्स फॉर द हार्वेस्ट ऑफ द ईयर ठीक है तो फसलों के लिए दोस्तों किसान को भी जो है वो करना है चाहिए ठीक है बात समझ में आ गया दोस्तों गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी को 6.9 परसेंट से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है तो गोल्डमैन सैक्स ने दोस्तों इंडिया की जीडीपी को घटा दिया है दोस्तों 6.9 परसेंट से सीधे 5.9 परसेंट कर दिया भाई जिनका भी आज एग्जामिनेशन है उन सभी को ऑल द बेस्ट माता रानी और बाबा की विशेष कृपा रहे असीम कृपा रहे मैं यही मना रहा हूँ कल से कि भाई बच्चों के पेपर बहुत अच्छे कर दीजिए भगवान एकदम ठीक है चलिए दोस्तों सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है वो हैज इनोग्रेटेड द रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन सिल्चर दोस्तों एक बात बताइए कि आज कितने बजे एग्जाम खत्म होगा कितने बजे एग्जाम खत्म होगा दोस्तों सर्वानंद सोनेवाल जो है ये जो है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का इन लोगों ने उद्घाटन किया है सिलचर में ठीक है कह रहे हैं कि बसंत का और शिवानी का नहीं है एग्जाम तो वो लोग चीटिंग कराने जाते होंगे जैसे पीछे से छिट विट नहीं पहुंचाते हैं कुछ लोग तो वो करने जाते होंगे तो दोस्तों यहाँ पे आयुष मंत्री सर्वानंद सोनेवाल हैं और ये दोस्तों पोर्ट सपिंग और वो मिनिस्टर भी हैं वाटरवे मिनिस्टर आयुष में यू जो है दोस्तों वो यूनानी पद्धति के लिए ही है बाकी ए से आयुर्वेद है वाई से यूनानी और नेचुर योगा और नेचुरोपैथी है यू से यूनानी है एस से सिद्धा है और एच से होम्योपैथी होम्योपैथी सबमिट इस बार कहाँ हुई थी बताइए होम्योपैथी सबमिट जो है कहाँ हुए थे दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण नवंबर में दिल्ली में आयोजित किया गया आई इंडो पैसिफिक रीजनल रीजनल डायलॉग की थीम क्या थी दोस्तों तो ये थीम है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इन ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया होम्योपैथी वाली सबमिट दोस्तों दुबई में हुई थी ठीक है हर चीज दिल्ली में ही नहीं होगी कुछ डी से दुबई भी होता है दोस्तों अक्टूबर के लिए कौन सा बैंक डेबिट कार्ड बाजार का नेतृत्व करना जारी रखा है किस बैंक ने डेबिट कार्ड का दोस्तों सबसे बड़ा इशूअर कौन हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ है और दोस्तों क्रेडिट कार्ड का फिर एच हुआ है तो डेबिट कार्ड का एस <SBI> है सबसे बड़ा इशुअर और क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा इशूअर जो है वो दोस्तों एच बैंक है याद रखिएगा ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर सी की क्लाइमेट एक्शन लिस्ट में टॉप पर रहने वाला साउथ एशिया का पहला शहर बन गया है दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है दोस्तों तो दोस्तों ये मुंबई बन गया है कौन बन गया है मेरे भाई मुंबई बन गया है ठीक है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों विच इज द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट महानिदेशक लेखा परीक्षा की भूमिका निभाने वाला पहला राज्य कौन सा है तो दोस्तों ये तमिलनाडु है वो ये तमिलनाडु है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों चीन कुकी मिजो जो एथनिक कम्युनिटी है जाति समुदाय है ये किस देश से जुड़ी हुई कम्युनिटी है तो दोस्तों ये जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई कम्युनिटी है ठीक है क्लियर है तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है तो दोस्तों बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चीन नेशनल आर्मी के बीच लड़ाई हो गई है चीन कुकी जाति समुदाय के आदिवासी बांग्लादेश से भाग रहे हैं अब वो भाई भागेंगे तो इंडिया में आएंगे यही सब नाटक जो है बांग्लादेश करता रहता है अब मिजोरम सरकार ने बांग्लादेश में प्रवेश करने वाले दो बांग्लादेशी आदिवासी नागरिकों को अस्थायी आश्रय भोजन और राहत प्रदान करने की घोषणा भी की है ठीक है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है टका यहाँ की करेंसी है शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए अभी बांग्लादेश के साथ हम लोग की अड़तीसवीं वाटर वो हुई थी ट्रीटी हुई थी दोस्तों जिसमें कि कुशियारा नदी के जल का बंटवारा हुआ था जिससे असम को बहुत फायदा हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था ठीक है ओके दोस्तों ऑपरेशन टर्ट सिल्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया अभियान है तो टर्ट मतलब होता है दोस्तों कछुआ टर्टल टर्टल सिल्ड उसको बचाइए तो दोस्तों ये इंडिया ने जो है कि इनिशिएटिव का ध्यान आकर्षित कराया है दुनिया को दोस्तों नाइन्टीन मीटिंग हुई है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज की इंडेंजर जो कि दोस्तों जितने भी आ, खतरे में है दोस्तों प्रजातियां उनका सम्मेलन हुआ है लुप्तपराय प्रजातियों का दोस्तों सीओपी 19 नाइनटीन ये पनामा सिटी में हुआ है कहाँ पे हुआ है मेरे भाई पनामा में हुआ है एक यहाँ पे डिटेल में एक हमें स्टैटिक जीके की जानकारी भी मिल रही है तो ताजे पानी के कछुए बटागुर कछुआ को दोस्तों इसमें शामिल करने के लिए भारत ने कहा है और भारत के प्रस्ताव को सम जो है यहाँ पे स्वीकार भी किया गया है और स्वागत भी किया गया है सीआईटी ने ताजा पानी के कछुओं के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन टर्ट सिल्ड में देश द्वारा हासिल किए गए परिणामों की सराहना भी की इस जगह पे पनामा में जो ये सीओपी 19 मीटिंग हुई है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए देखिए सीओ पी ट्वेंटी सेवन क्लाइमेट के लिए हुई है और वो दोस्तों शर्मल शेख मिश्र में हुई है और यहाँ पे सी ओ पी नाइनटीन की जो बात हो रही है ये लुप्त पाए प्रजातियों के लिए हो रही है जब कोई प्रजाति एक्सटिंक्ट होती है तो उसे रेड लिस्ट में डालता है और रेड लिस्ट में कौन डालता है ये क्वेश्चन लास्ट मंथ एग्जाम में आया है दोस्तों विच कंट्री लॉन्च द ओरियन स्पेसक्राफ्ट किस देश ने ओरियन अंतरिक्षयान को लॉन्च किया है ओरियन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है दोस्तों अमेरिका ने तो दोस्तों ओरियन देखिए दुनिया में कोई भी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हो रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एग्जाम में आता है स्पेस से दोस्तों क्वेश्चन ठीक है तो यहां पे फर्स्ट मून फ्लाई बाई एज ए पार्ट ऑफ अनक्रूड आर्टिमिस वन मिशन तो दोस्तों ये मिशन है जो पहले भेजा जा रहा है आर्टिमिस का पार्ट है दोस्तों ठीक है इट हैज पासड विदियन विल ट्रेवल अबाउट फिफ्टी सेवन हंड्रेड टू हंड्रेड एटी सेवन माइल्स बियॉन्ड द मून एट इट्स फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द मून तो जो मून के एकदम जा, सबसे ज्यादा जो फारदेस्ट पॉइंट है वहां तक जो है दोस्तों ये अभियान जाएगा ठीक है पासिंग द रिकॉर्ड सेट बाई अपोलो थर्टीन ओरियन विल इंटर अ डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट बियॉन्ड द मून तो दोस्तों ये जो है अमेरिका की नासा ने दोस्तों ये अभियान जो है किया है ठीक है तो दोस्तों अपोलो की बहन यूनानी ग्रीक सभ्यता में अपोलो की बहन आर्टिमिस थी जिन्हें चंद्रमा की देवी भी कहा जाता था वो मिशन दोस्तों नासा का है जो चंद्रमा पे जाने का उसमें दोस्तों पहले एक मानव रहित विमान भेजा गया है जिसका नाम है ओरियन अंतरिक्षयान ठीक है और दोस्तों ये चंद्रमा से सबसे दूर वाले बिंदु पर जाएगा दोस्तों और दोस्तों एक अपनी कैपेसिटी देखेगा और अपनी कैपेसिटी बताएगा उसके बाद आर्टिमिस मिशन होगा आर्टिमिस भी याद रखिए अपोलो भी याद रखिए और ओरियन भी याद रखिए दोस्तों तीनों चंद्रमा का नासा का मिशन है दोस्तों यूरोपियन पार्लियामेंट ने किस देश को आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर का तमगा दिया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का तमगा दोस्तों रशिया को दिया गया किसको दिया गया मेरे भाई रशिया को दिया गया है याद रखना है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो रशिया ने जो अवैध रूप से भा, जो है दोस्तों यूक्रेन के नागरिकों को अस्पतालों को न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचों को आश्रयों को सैन्य और कैंपों को दोस्तों निशाना बना के सिविलियंस को निशाना बना के दोस्तों युद्ध कानून तोड़ा है अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है इसे आप युद्ध नहीं आतंकवादी हमला कह सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने दोस्तों इनको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का जो है तमगा दिया रशिया की कैपिटल मॉस्को है रूबल यहाँ करेंसी है भारत का सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्टर है भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट यही करता है भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट यही करता है व्लादिमिर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं अभी दोस्तों यूक्रेन के लोगों को सखारो प्राइज मिला है सखा लिबर्टी मेडल दोस्तों वहां के राष्ट्रपति को जेलेंस्की जी को मिला है दोस्तों किस कंपनी ने अपनी व्यवसायिक प्रक्रियाओं को बदलने में प्रक्रियाओं को बदलने में योगदान के लिए सिंसिनाटी यूएसए में प्रॉक्टल एंड गैम्बल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है तो पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों मैट्रिक्स बिजनेस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने जीता है ओके क्लियर है याद रहेगा दोस्तों ये याद रखिएगा पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसको मिला है चेन्नई की मैट्रिक्स बिजनेस कंपनी को मिला है प्रॉक्टल एंड गैम्बल की दोस्तों यूएसए की पार्टनर बनी है दोस्त पार्टनर ऑफ द ईयर यानी बेस्ट पार्टनर बनी है ठीक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है दोस्तों ठीक है इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ग्लोबल इनोवेटर सबमिटेड डॉट 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 पेटेंट एप्लीकेशन इन 2021 एन इंक्रीज ऑफ 3.6 परसेंट फ्रॉम 2020 तो दोस्तों इनके अलावा जो पेटेंट आवेदन किए गए हैं दोस्तों वो पिछले साल से 3.6 परसेंट ज्यादा किए गए हैं दोस्तों पेटेंट कौन कराता है जब वो कोई यूनिक चीज बनाता है तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कोई अपने मेहनत से कोई ट्रेडमार्क बनाता है कोई ब्रांड बनाता है उसकी दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है इंडस्ट्रियल डिजाइन तैयार करता है दोस्तों प्लांट वेराइटी तैयार करता है ये सब उसकी दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ओके तो दोस्तों यहां पे जो है ग्रे ग्लोबल इनोवेटर्स ने 3.4 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशन 2021 में दिए हैं जो पिछले साल से ज्यादा है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों एशिया से 67.6 परसेंट अप्लीकेशन आए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एशिया से दोस्तों पेटेंट आवेदन किए गए हैं दोस्तों दी यानी कि द टाइम्स हायर एजुकेशन के ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग और सर्वे के अनुसार 28वीं रैंकिंग पर दोस्तों वर्ल्ड रैंकिंग में एक ही इंडियन यूनिवर्सिटी थी उसका नाम क्या है उसका नाम है दोस्तों आईआईटी दिल्ली आईआईटी दिल्ली दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन के रैंकिंग में ट्वेंटी एट नंबर पर आई है दोस्तों पहले नंबर पे दोस्तों कौन सी यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है दूसरे पे कैलिफोर्निया तीसरे पे हार्वर्ड तीन तो अमेरिका के हो गए फिर आता है दोस्तों चौथे पे कैम्ब्रिज जो कि यूके में है कैम्ब्रिज ने दोस्तों होमर वर्ल्ड को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है Collins ने दोस्तों परमाक्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों दुनिया के टॉप 250 यूनिवर्सिटीज में भारत के सात यूनिवर्सिटीज को स्थान मिला है ठीक है टॉप 50 में जगह बनाने वाली केवल आईआईटी दिल्ली है और कोई नहीं है पिछले बार सत्ताईसवें पे था इस बार अट्ठाइसवें पे है आई बेंगलोर 58 पोजीशन पे है ठीक है 58 पोजीशन पे आई बॉम्बे दोस्तों वो 72 पोजीशन पे है ठीक है ये दो ये तीन जो इंस्टीट्यूट है जो टॉप हंड्रेड में है जो टॉप हंड्रेड में है दोस्तों ठीक है दोस्तों व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ऑब्जर्व्ड महिलाओं के खिलाफ इन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है 25 नवंबर को तो दोस्तों जो वीमेन के खिलाफ वायलेंस होती है उसका जो है दिन है दोस्तों 25 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों आप बता सकते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से सबसे ज़्यादा वीमेन के अगेंस्ट क्राइम कहाँ पर होता है किस राज्य में होता है दोस्तों अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो दोस्तों आपको बताना है ये मलेशिया के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके बने हैं अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त मलेशिया की कैपिटल कुआलालमपुर है दोस्तों रिंगिट यहाँ की करेंसी है मलेशिया में ही दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस ओपन करी है और दोस्तों मलेशिया में ही गरुण एरोस्पेस धोनी की जो ब्रांड एम्बेजर वाली कंपनी है चेन्नई की उसने अपनी ड्रोन की फैक्ट्री भी वहाँ ओपन करी है क्वालमपुर मलेशिया में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडकोार्टर भी है दोस्तों थॉमस कप इंडोनेशिया को हरा के भारत ने बैडमिंटन का पहली बार जीता है दोस्तों वाइल्ड लाइफ समिट हैजॉप्टेड इंडियाज प्रपोजल फॉर इनहेंड प्रोटेक्शन ऑफ विच टर्टल स्पीसीज वन्य जीव शिखर सम्मेलन जो पनामा में हुआ ना दोस्तों उसमें कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के किस प्रस्ताव को अपनाया गया है कछुए की किस प्रजाति को बचाने के लिए तो दोस्तों यहाँ पे लीथ सॉफ्ट सेल टर्टल को बचाने के लिए इंडिया ने प्रस्ताव दिया है पनामा में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की कंपनी uh, की ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में कौन सा जानवर दिखता है यह क्वेश्चन आपके लास्ट मंथ के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों लास्ट मंथ के एग्जाम में पूछा गया है तो बता सकते हैं कि कौन सा जानवर दिखता है कौन सा एनिमल दिखता है दोस्तों विच फुटबॉलर द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन फाइव वर्ल्ड कप दोस्तों अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में दोस्तों कौन सा फुटबॉलर पांच विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है पहला खिलाड़ी बन गया है दोस्तों तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों पांच वर्ल्ड कप तो बहुत लोग खेले होंगे लेकिन पांचों में गोल कोई मारा हो स्कोर किया हो ऐसा पहला खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पर्सन भी हैं स्पोर्ट्स पर्सन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा इतिहास में गोल्ड कर गोल किए हुए हैं इनसे ज़्यादा गोल आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है दोस्तों इन्हीं के नाम ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है थर्ड नंबर पे सुनील छेत्री हैं सेकंड नंबर पे लियोन मेसी हैं सुनील छेत्री है हमारे भारत के तीसरे नंबर पे हैं दुनिया में गोल करने में दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल यानी पुर्तगाल देश को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है पुर्तगाल टीम के कैप्टन है दोस्तों ठीक है इन्होंने घाना के खिलाफ पैंसठवें मिनट में पेनाल्टी को गोल में बदलने के बाद यह उपलब्धि हासिल करी है ठीक है चलिए दोस्तों किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और ग्रामीण संग्रह केंद्र का उद्घाटन किया गया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर एंड रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन दोस्तों त्रिपुरा में किया गया है कहां पे किया गया है मेरे भाई त्रिपुरा में किया गया है ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है दोस्तों मुख्यमंत्री है मानिक शाह कौन है मानिक शाह दोस्तों पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन बन गया है पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख दोस्तों बन गया है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर दोस्तों जो हम लोगों का वो जो सीआरपीएफ वाला जो हमला हुआ था पुलवामा वाला उसका ये मास्टर माइंड है दोस्तों ये आईएसआई में भी रह चुका है और इसके मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी हेड रह चुका है ये बंदा जो है दोस्तों पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ है जो तख्ता पलट के लिए बड़ा कुख्यात है तो दोस्तों इसके बनने पर जो है यहाँ पे चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं यही नहीं पाकिस्तान खुद भी जो है कि परेशान है कि ये कौन बन गया है दोस्तों तमिलनाडु के किस गांव को राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है तो दोस्तों तमिलनाडु का जो पट्टी विलेज है दोस्तों उसे स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया ये तमिलनाडु का पहला है लेकिन इंडिया का पहला नहीं है ये इंडिया के कौन से नंबर का है दोस्तों बताओ पति राम कह रहे हैं अब ये बॉम्ब का प्लानिंग करेगा भाई उससे बड़ा पागल आदमी हमने प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाया हुआ है भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई नहीं फेंक सकता ये उधर से बम फेंकेगा इधर से ये मिसाइल फेंक देगा भाई साहब घुस के मारता है समझ रहे हो तो दोस्तों बम का जवाब मिसाइल से दिया जाएगा और हो सकता है पीओके आ जाए ये सब प्लानिंग है वो जानबूझ के जल्दी जल्दी बनाए पीओके वाली जो वक्तव्य हुआ है उसके बाद से ठीक है तो याद रखिएगा ओके दोस्तों नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है नेशनल जो गोपाल रत्न अवार्ड है दोस्तों वो फिशरीज मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है जिसके मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन दुग्ध उत्पादन और पशुपालन मिनिस्ट्री से दोस्तों जो है संबंधित है बात समझ में आ रही है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों आज 26 नवंबर है आज नेशनल मिल्क डे है क्या है भैया आज 26 नवंबर है दोस्तों आज नेशनल आज कोई अटैक अटैक भी हुआ था 26 नवंबर को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान दो साल 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार हुआ था ठीक है दो साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है 26 नवंबर को दोस्तों वर्गिस कुरियन का बर्थडे भी होता है वर्गिस कुरियन का बर्थडे भी होता है वर्गिस कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है अमूल कंपनी के फाउंडर थे दोस्तों इसीलिए इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो आज का दिन है दोस्तों नेशनल मिल्क डे मनाते हैं क्या मनाते भैया नेशनल मिल्क डे मनाते हैं याद रहेगा सभी लोगों को चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त ठीक है चलिए ट्वेंटी सिक्स इलेवन ये दिन जो है आप लोगों ने कभी सुना है बताइए कभी कोई खतरनाक कोई घटना हुई है इस दिन तो संविधान दिवस दोस्तों किस मंत्रालय ने मनाना शुरू किया है ऐसा क्वेश्चन लास्ट मंथ आपके एग्जाम में आया था फटाफट से जवाब दीजिएगा कि संविधान दिवस किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जा, जा शुरू किया गया दोस्तों इसी सरकार ने शुरू किया है ठीक है ताज पर अटैक हुआ था ताज होटल बोलो यार ताज पे मत बोलो ताज होटल यानी मुंबई अटैक जिसे कहते हैं ना ट्वेंटी सिक्स इलेवन के नाम से अजमल आमिल कसाब वाला जाना जाता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों कौन सा देश में में 2023 में उद्घाटन ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह की मेजबानी करेगा विच कंट्री विल होस्ट द इनोगर ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक इन 2023? थाउजेंड तो दोस्तों ये ए स्पोर्ट्स वीक होगा 22 से 25 जून 2023 को दोस्तों सिंगापुर में कहां पे होगा मेरे भाई सिंगापुर में होगा ठीक है दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर लॉजे स्विट्जरलैंड में है उसके हेड थॉमस बैश हैं उन्होंने दोस्तों ये अनाउंस किया है ओके दोस्तों हाल ही में भारत भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इकहत्तर हजार सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए दोस्तों ये अपॉइंटमेंट लेटर्स किसने जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो दोस्तों ये वर्चुअली जो है मोदी जी ने दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो दोस्तों अब जो है रोजगार मेला लगा करके जितने भी सरकारी एम्प्लॉय की नियुक्ति होती है उनके अपॉइंटमेंट लेटर मोदी जी खुद बांटते हैं अभी दस दिन पहले पचहत्तर हजार लोगों को किया और अब इन्होंने दोस्तों इकहत्तर हजार लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटा दो तो हजार चौबीस तक दस लाख लोगों को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया है सरकारी नौकरी देने का तो आप लोग भी इसी बहती गंगा में हाथ धो लीजिए इलेक्शन वाले में तो बेहतर रहेगा दोस्तों और फटाफट अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा जैसे इस सरकार के ऊपर दो दाग रहते हैं कि नौकरी नहीं देती और, एक, और अगर एग्ज़ाम का डेट निकालती है तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता एग्जाम पीछे से गायब हो जाता है तो ये दोस्तों जो है इन दोनों चीज़ों को इन्होंने दाग को धोने के लिए ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर करके कर सभी मंत्रालयों और विभागों से बोलते हैं कि एक ही दिन अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग देंगे ताकि हम उसे काउंट कर पाए दोस्तों ही ऑल्सो लॉन्च द कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल दोस्तों कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल भी इन्होंने लॉन्च किया ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है जितने भी न्यूली अपॉइंटेड इंप्लॉयी हैं दोस्तों अलग अलग विभाग में ये जो रोजगार मेले में अपॉइंटमेंट लेटर पाए हैं इनके लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल भी ट्रेनिंग भी दोस्तों दी जाएगी ठीक है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा इन लोग का ऑनलाइन जिसमें इन लोग को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएगी ठीक है ऑल द बेस्ट शिव कुमार और सभी का जिनका भी एग्जाम है सभी लोग जाओ भैया एकदम आराम से पेपर पढ़ना और करके आना छोड़ के नहीं आना स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में भारत की पहली और पेपर में टाइम बहुत है आप रिलैक्स होकर पेपर देना टाइम की दिक्कत नहीं होगी प्री में टाइम की दिक्कत होती है मेंस में टाइम की दिक्कत नहीं होगी लेकिन सुस्त होकर नहीं देना जीए में आराम से पढ़ना बाकी सब में अपने स्पीड में ही रहना ठीक है तो दोस्तों पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति यानी कि दोस्तों जो है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी शुरू की है ताकि आत्महत्या मृत्यु दर में सुसाइड मोर्टेलिटी में दोस्तों किस ईयर तक 10 परसेंट की कमी की जा सके 10 परसेंट की कमी की जा सके तो दोस्तों यहां पे 2030 तक 10 परसेंट की कमी करने की बात कही जा रही है 10 परसेंट की कमी करने की बात कही जा रही है ठीक है शिव कुमार का इस बार बढ़िया पेपर हो जाए भैया और इस बार जो है ये हम लोग को मिठाई खिलाए एकदम काजू कतली भेजे दोस्तों तमिलनाडु में जो मदुरई जिले के आ, में जो पहला ये जैव विविधता स्थल बना है दोस्तों विरासत स्थल अरिटा पट्टी जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का तो पहला है लेकिन भारत का कौन से नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल है तो दोस्तों ये भारत का इंडिया का थर्टी फिफ्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है दोस्तों ठीक है ये बात याद रखिएगा ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त सर पर्सनली देने आऊंगा काशी वेरी गुड दोस्तों हाल ही में किस संगठन ने बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है तो दोस्तों विच ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली लॉन्च द ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तो दोस्तों यहाँ पे एन यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दोस्तों ये ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है दोस्तों शुरू किया है ठीक है क्लियर है चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अच्छा बच्चों के लिए दोस्तों एक नंबर भी चलता है जिसका नाम है दस नौ आठ दोस्तों ये एन ने जो है एक घर नाम से दोस्तों जो है एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड री यूनाइट गो होम एंड री यूनाइट दोस्तों यह एन सी पी आर का डिजिग्नेटेड पोर्टल है फॉर रीस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन फॉर चिल्ड्रेन ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो बीस नवंबर को दोस्तों वर्ल्ड चाइल्ड डे था बीस नवंबर को वर्ल्ड चाइल्ड डे था चौदह नवंबर को दोस्तों हम लोग का चिल्ड्रंस डे था यानी कि चाचा नेहरू का बर्थडे दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड दोस्तों किसने लॉन्च किया है तो दोस्तों ये एक्सिस बैंक ने सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट के साथ मिल आ, मिल करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक ने एयरफोर्स के सा, साथ भी दोस्तों अकाउंट वाला डील किया है पावर सेल्यूट इनिशिएटिव के तहत एक्सिस बैंक ने दोस्तों Easy Diner के साथ भी टाइम किया है एक्सिस बैंक ने दोस्तों Spice Jet के साथ भी joint, वो पतंजलि एक्सिस बैंक के हेड जो है दोस्तों अमिताभ चौधरी भारत के हाईएस्ट पेड सीएमडी हैं और एच के कायजाद भरूचा ईडी हैं जो सबसे ज्यादा पेड बैंकर हैं, ठीक है एक्सिस बैंक 1993 में आई थी मुंबई हेडक्वार्टर इसका पुराना नाम है ठीक है पतंजलि ने PNB के साथ किया वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों किस बैंक ने हाल ही में एनआरआईज के लिए डिपॉजिट प्लस नामक जो है एक डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी है डिपॉजिट प्लस तो दोस्तों ये फेडरल बैंक ने किया है फेडरल बैंक दोस्तों केरल का बैंक है श्याम श्रीनिवासन हेड है और आ, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैगलाइन है ओके और फेडरल बैंक दोस्तों तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड के, के डिजिटलाइजेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट परियोजना में चुना गया है और यूबीआई चुना गया है एमपी के लिए ठीक है दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में एनएचडीएल पेमेंट बैंक और वीजा के सहयोग से टैप टैप लॉन्च किया है एनएचडीएल पेमेंट बैंक और वीजा की मदद से दोस्तों बिल बॉक्स ने टैप टैप लॉन्च किया है ठीक है बिल बॉक्स ने टैप टैप लॉन्च किया है तो दोस्तों एक एस जो है आ, वियरेबल्स होगा जिसे आप पहन सकते हैं वीरेबल डिवाइस होगा जिस पे टैप करके दोस्तों आप आराम से कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट कर सकते हैं बिना डेबिट कार्ड के पेमेंट कर सकते हैं ठीक है सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक ने एरेम सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है तो एर एम सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने करी है किसने करी है मेरे भाई बैंक ऑफ बड़ौदा ने करी है ओके okay? क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्डा हैं दोस्तों और बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व हेड एस एस थे दोस्तों जो आर के डिप्टी गवर्नर भी थे वो इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड बन गए हैं जो एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है जिसके तीस कंपनियों के ग्राफ को हम लोग इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है केरल के कोची में अपनी पहली समर्पित मिड कॉरपोरेट शाखा खोली है ओके दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडियन पेयर्स को इंटरनेशनल एजुकेशन फीस डिजिटली जो है पेमेंट करने में सक्षम बनाने के लिए फ्लाई वायर कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करी है फ्लाई वायर के साथ दोस्तों पार्टनरशिप करी है ठीक है याद रहेगा तो दोस्तों यहां पे जो है एच बैंक ने यह पार्टनरशिप करी है एच बैंक का की टेगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड 1994 में आई थी दोस्तों शशिधर जगदीशन इसके सीएमडी हैं इसमें दोस्तों 1977 की मदर कंपनी एच मर्ज हो जाएगी तो ये दोस्तों एक सौ बिलियन की कंपनी हो जाएगी और दुनिया के टॉप टेन बैंकों में शुमार हो जाएगी और रिलायंस के बाद भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी हो जाएगी दोस्तों अभी तो ये भारत की सबसे मूल्यवान बैंक है ही क्रेडिट कार्ड इश्यू करने में भी सबसे टॉप पे है और क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेशन में भी दोस्तों सबसे टॉप पर है दोस्तों सेबी ने किसी योजना के पहले समापन की घोषणा के लिए अल्टरनेटिक इन्वेस्टमेंट फंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं इसके अनुसार निजी प्लेसमेंट मोमरेंडम लेने के लिए सेबी जो है दोस्तों आ, संचार की तारीख से कितने दिन के बाद किसी योजना के पहले समापन की घोषणा नहीं की जानी चाहिए ऐसे गाइडलाइंस जारी किए सेबी की दोस्तों से कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी की हेड है मदाबी पूरी जो पहली महिला पहली नॉन आईएएस हेड बनी है आईसीसी सिक्योरिटीज से आई है इश्यूड गाइडलाइन फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फॉर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट क्लोज ऑफ अ स्कीम एज पर इट फर्स्ट क्लोज ऑफ ए स्कीम शुड बी डिक्लेयर नॉट लेटर देन यानी किसी भी स्कीम के फर्स्ट क्लोज को आप डिक्लेयर नहीं करेंगे दोस्तों बारह महीने के पहले बारह महीने के पहले आप उसे क्लोज करने की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे ठीक है ये गाइडलाइन जारी की गई है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए दोस्तों ओई इकोनॉमिक आउटलुक नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार द कंफ्रंटिंग द क्राइसिस द वर्ल्ड इकोनॉमी वी ग्रो जस्ट डॉट 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 इन 2023 तो दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी जो है यह सिर्फ जो है दो दशमलव दो परसेंट की दर से बढ़ेगी ये क्राइसिस आने वाली है दोस्तों अगले साल ओईसीडी जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे है मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पे है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है इसने अपने जीडीपी फोरकास्ट को 6.9 परसेंट से घटा करके अभी परसों दोस्तों 6.6 परसेंट कर दिया है हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है हम लोगों ने दोस्तों उसे पढ़ा भी था ठीक है बात समझ में आ गया चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों 2022 में 3.1 परसेंट की दर से बढ़ रही है ओके और 2023 में केवल दो दो परसेंट रह जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 6.6 परसेंट की दर से बढ़ रही है इस साल का फोरकास्ट है अगले साल फाइव पॉइंट सेवन परसेंट और दो हजार चौबीस में यहां पे जो बोल रहे थे इसको इन्होंने घटा दिया है 6.6 कर दिया है ठीक है क्लियर है ओ सी डी का हेडक्वार्टर पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है और एफ ए टी एफ का हेडक्वार्टर पेरिस में जिसमें थर्टी नाइन कंट्रीज हैं पाकिस्तान को वॉचलिस्ट से बाहर कर दिया म्यांमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया ईरान और नॉर्थ कोरिया को पहले ही कर चुका था टी राजा कुमार जिसके हेड है उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर बात समझ में आ रही है चलिए दोस्तों भारत के उस पर्सनालिटी का नाम बताइए जिसे नवंबर में आंतरप्रेनियोरियल विजन कैटेगरी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया चैंपियन ऑफ दी अर्थ अवार्ड मोदी जी को भी मिल चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू करने के लिए सोलर पावर uh, से इनेबल्ड पहले एयरपोर्ट कोचीन एयरपोर्ट को भी मिल चुका है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दोस्तों अभी दिया मिर्जा के साथ महाराष्ट्र में किसे प्राइज दिया गया था बताइए उन्हें भी मिल चुका है ठीक है मुस्लिम हैं बताइएगा दोस्तों उनका नाम अब चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दोस्तों ये पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया विद्युत मोहन जी को भी मिल चुका है जिन्होंने टेका चार नाम की कंपनी से पराली को चारकोल में बदलने का मुहिम छेड़ा हुआ है दोस्तों और किसानों के ए, को एक्स्ट्रा इनकम भी करा रहे हैं और इन्वायरमेंट भी बचा रहे हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो इन्वायरमेंट बचाता है उसको यूएनईपी देता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसकी हेड क्वार्टर है दोस्तों नैरोबी में नैरोबी में है यही दोस्तों देता है केन्या में इसका हेडक्वाटर है दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी पांच जून को हुई थी इसी के स्थापना दिवस को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों 1972 में ये आई थी तो इस बार हम लोग इसकी फिफ्टी एनिवर्सरी मना रहे हैं 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो दोस्तों इस बार की थीम क्या है इसकी इन्वायरमेंट डे की ऑनली वन अर्थ ऑनली वन अर्थ दोस्तों इसकी थीम है ओके okay? क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों यहाँ पे पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इन्हें जो है चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड दिया गया है जो एक कंजरवेशनलिस्ट हैं एंटरप्राइज हैं इकोनॉमिस्ट हैं वीमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं इतनी सारी चीजें भैया है आसाम की हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट इंडिया जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है दोस्तों वह ग्रेटर एडजुटेंट को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से एक सर्व महिला जमीनी स्तर पर संरक्षण अभियान हरगिला आर्मी का भी नेतृत्व करती हैं हरगिलास पांच फुट ऊंचे पक्षी हैं जो भारत असम और बिहार और कंबोडिया सहित साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों के वेटलैंड्स में रहते हैं उनके लिए दोस्तों उनको बचाने के लिए काम करती हैं आर्मी भी बनाई है दोस्तों स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में विश्व स्तर पर थर्ड रैंकिंग स्थान दिया गया है लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक में पहला स्थान अपना बरकरार रखा है उस कंपनी का नाम बताइए दोस्तों उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड क्या नाम है मेरे भाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोस्तों इस कंपनी का नाम है यह उदयपुर बेस्ड राजस्थान हिंदुस्तान जिंक है दोस्तों जो टॉप थ्री सस्टेनेबल कंपनीज में ग्लोबली मेटल और माइनिंग सेक्टर में आई है ठीक है और एशिया पैसिफिक रीजन में पहली पोजीशन पे है दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कितने सरकारी बैंकों में दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बदले हैं तो 10 सरकारी बैंकों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए अभी कुछ दिन पहले दोस्तों चार सरकारी बैंकों में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे दोस्तों ठीक है अभी देखिए तो दस ईडी जो है दोस्तों यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं तीन साल के लिए कितने साल के लिए अपॉइंट किए गए सरकारी बैंकों में तीन साल के लिए ठीक है बारह सरकारी बैंक हैं दस में हो गए तो मतलब भाई साहब बहुत हो गए ठीक है तो दो में होंगे बाकी में नहीं होंगे दोस्तों तो यहां पे देखा जाए तो संजय विनायक मुडलियार ये दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक में ईडी है इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई है ललित त्यागी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में है बैंक ऑफ बड़ौदा का, का हेडक्वार्टर वडोदरा में है विनोद कुमार दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है अशोक चंद्रा कैनरा बैंक में है दोस्तों कैनरा बैंक हेडक्वार्टर बेंगलोर है एस सुब्रमण्यम दोस्तों यूनियन बैंक में है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है पर परमा सिवन जो है दोस्तों ये पीएनबी में है सुब्रत कुमार जो है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में है महेश कुमार बजाज इंडियन बैंक में है एम वेंकट मुरली कृष्णन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और राजेंद्र कुमार जो है सबू यूको बैंक में यूको बैंक कोलकाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ठीक है इंडियन बैंक चेन्नई बैंक ऑफ इंडिया मुंबई पीएनबी दिल्ली यूनियन बैंक मुंबई केनरा बैंक बेंगलोर <coughs> बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा ठीक है दोस्तों किस कंपनी में एल ने अपनी हिस्सेदारी फोर परसेंट से बढ़ा के सिक्स पॉइंट एट कर ली है फोर पॉइंट एट से बढ़ा के सिक्स पॉइंट एट कर ली है दोस्तों तो टेक महिंद्रा में एल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है एल दोस्तों भारत भर की कंपनियों में अपने शेयर्स खरीदता रहता है टेक महिंद्रा के फाउंडर है आनंद महिंद्रा आनंद महिंद्रा दोस्तों अभी आर के सेंट्रल बोर्ड में चुने गए हैं सेंट्रल बोर्ड में भी चुने गए सेंट्रल बोर्ड में अलग अलग एरिया के स्पेशलिस्ट जुड़ते हैं दोस्तों 20 प्लस एक ट्वेंटी लोगों का सेंट्रल बोर्ड होता है आरबीआई का दोस्तों इसरो ने तिरुवनंतपुरम केरल से रोहिणी आर एच साउंडिंग रॉकेट को दोस्तों सक्सेसफुली लॉन्च किया है दोस्तों लगातार जो है कई बार सफल प्रक्षेपण इसका किया गया है तो दोस्तों ये जो है दो सौवीं बार जो है कंजिक्यूटिवली सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है रोहिणी का ठीक है रोहिणी आर एस टू हंड्रेड साउंडिंग रॉकेट का ठीक है तो दोस्तों इसरो जो 15 अगस्त 1969 को आई थी 15 अगस्त 1969 को आई थी मेरे भाई पहले हेड थे विक्रम सारा भाई और विक्रम सारा भाई के नाम से ही स्पेस सेंटर दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है ठीक है विक्रम सारा भाई के नाम से ही विक्रम एस रॉकेट अभी स्काई रूट एरोस ने भेजा है जो हैदराबाद से भेजा है। हैदराबाद की है दोस्तों कंपनी उसने पहली प्राइवेट रॉकेट भेजी है दोस्तों ठीक विक्रम एस नाम से खैर यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रोहिणी आर एस टू साउंडिंग रॉकेट की जो यहां से भेजी गई है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद रोहिणी से दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि भारत का पहला जो सैटेलाइट भेजा गया था यूएसएसआर की मदद से सोवियत रशिया की मदद से 1975 में भेजा गया था लेकिन 1980 में रोहिणी हमने भेजा था अपने रॉकेट से अपने रॉकेट से भेजा था ठीक है क्लियर है याद रहेगा ओके चलो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार विजेता गुलाम अब्बास मुंतसिर का नवंबर 2022 में निधन हो गया 1970 में उन्हें किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है अर्जुन अवार्डी गुलाम अब्बास मुंतसिर पास्ट अवे रिसेंटली इन नवंबर 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर विच स्पोर्ट डिड ही रिसीव द अर्जुना अवॉर्ड इन नाइनटीन तो दोस्तों उन्नीस में उन्हें जो है बास्केटबॉल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है ठीक है किसके लिए बास्केटबॉल के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों नेम द स्टेट डेट हैज रिसेंटली लॉन्च न्यू टूरिज्म पॉलिसी उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक नई पर्यटन नीति शुरू की है तो दोस्तों ये जो है आसाम में नई टूरिज्म पॉलिसी स्टार्ट की गई है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार आसाम के मुख्यमंत्री कौन है हेमंत बिश्वा शर्मा है Very good. दोस्तों ठीक है वेरी गुड दोस्तों हाल ही में दो बार के ओलंपिक चैंपियन इलियाड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और बेहतर कर दिया है हर बार दोस्तों ये अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं इलियड किपचोगे दोस्तों किस देश के है मैराथन के भाई साहब यही चैंपियन है तो दोस्तों ये केन्या के है इलियड किपचोगे जो है ये केन्या के हैं दोस्तों मैराथन जो है दोस्तों ये जो है दो घंटे एक सेकंड और नौ माइक्रो सेकंड में किया है पिछ पिछली बार दो घंटे एक मिनट और थर्टी नाइन सेकंड में किया था ठीक है तो भाई साहब देख रहे हो माइक्रो सेकंड्स की कीमत समझ रहे हो ये होती है दोस्तों केन्या की कैपिटल नैरोबी में दोस्तों जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडकोर्टर है UNEP का और शीलिंग यहाँ की करेंसी है शीलिंग जो है दोस्तों वो यहाँ की करेंसी है ओके दोस्तों हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है दोस्तों तो यहां पर बताइएगा कौन सी कंपनी है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट सेंटर फॉर साइंस फॉर इन्वायरमेंट ने दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया है उनकी बैटरी बनाने की दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने के लिए सुजुकी ने दस हजार करोड़ रुपए गुजरात को दिए हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए हरियाणा को उन्होंने बीस हजार करोड़ दिए टोटल तीस हजार करोड़ दिए हैं दोस्तों इंडिया को जो क्यों दिए सुजुकी साहब भारत आए थे मारुति सुजुकी के 40 साल पूरे हुए उन्नीस सौ में मारुति और सुजुकी ने मिलकर भारत में कार बनाना शुरू किया था ठीक है अब ये लोग इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी भी बनाएंगे दोस्तों महाराष्ट्र के किस शहर में सहयाद्री फार्मर प्रोडक्शन कंपनी ने अंगूर के लिए पहली बार प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी शुरू करने के लिए दोस्तों हामी भरी है तो दोस्तों यहाँ पे नासिक में महाराष्ट्र जो है अंगूर के लिए दोस्तों आ, मंडी तैयार कर रहा है फर्स्ट एवर प्राइवेट एग्रीकल्चरल मंडी है दोस्तों ठीक है तो ये प्राइवेट है तो सरकार नहीं कर रही है बल्कि शहियारी फाइबर प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है अंगूर दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है बहुत फेमस है दोस्तों अंगूर के लिए जो है भुसावल के केले के लिए जो है जलगांव बनाना के लिए और दोस्तों बहुत सारे जो है इसके पास जो है जीआई टैग वाले प्रोडक्ट भी हैं महाराष्ट्र में ठीक है तो दोस्तों ये नासिक में शुरू हो रही है प्राइवेट मंडी ग्रेप्स के लिए तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने आज के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया साठ करंट अफेयर्स के लगभग में दोस्तों आज हम लोग ने पढ़ा और इसीलिए मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा और दोस्तों अब आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा छोटी बड़ी जो भी खबरें आपके एग्जाम में आ सकती हैं उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं कवर यहां पे ये वो वाली क्लास नहीं है जहां पे 10-12 करंट अफेयर कराए जाएं और फिर मिलावट कर दिया जाए स्टैटिक जीके का और फिर आपका एक घंटा डेढ़ घंटा बिता दिया जाए और आपको लगे कि हमने तो सारा पढ़ लिया आप भरोसा करते हैं उन लोगों पर उन चैनल्स पे और फिर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो कहते हो ये कहाँ से पूछा तो दोस्तों इसलिए करेंट अफेयर की प्योर करेंट अफेयर की क्लास ये है स्टैटिक जीके के साथ जो मिलावट वाला कि हाँ स्टैटिक जीके भी तो अच्छा लगता है सर व्यूज़ आता है और बड़ा मज़ा आता है तो वो क्लास दोस्तों हम लोग शाम को साढ़े छह बजे कर रहे हैं सिक्स मंथ करेंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके की आज मैराथन क्लास है आज इस चैनल पे पूरे मैराथन प्लान है दोस्तों तो सारे महारथी हमारे मैराथन की क्लास आज लेने वाले हैं जिन लोगों के आज एग्जामिनेशन है उन सब को दोस्तों ऑल द बेस्ट सभी लोगों को लव यू टू भैया सभी लोगों को थैंक यू अवधेश सचिन निधि अविनाश संजू सभी लोगों को सभी लोगों को प्रीति पतिराम सभी लोगों को किसी का नाम तो नहीं छूट गया निधि किसी का नाम तो नहीं छूट गया भैया सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद नाइस डे nice आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो बाबा और माँ आप लोगों पे आज विशेष कृपा बरसाए और जिनका एग्जाम है उनका तो दोस्तों आज कल्याण करें उनका सिलेक्शन कराएं उनको हाईएस्ट अटेम्प्ट दें हमारे स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद लव यू ऑल बायसी कै सर हम रह गए अच्छा भैया नैन्सी बहुत बहुत धन्यवाद हैव नाइस डे और कौन रह गया बताओ सचिन भी हो गए कोई नहीं रह गया यार सब लोग हो गया सबको मैंने गुड मॉर्निंग विश कर दिया है चलो ओके बाय मस्त रहो